मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के डीडीसी सहायकों का सार्वजनिक क्षेत्र ठेका संविदा कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले गुरुवार को चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। 3 दिन तक इन कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी, किंतु सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम न उठाने पर इन कर्मचारियों द्वारा आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक इमरजेंसी के सामने धरने पर बैठकर अपना विरोध प्रारंभ कर दिया और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है सरकार द्वारा उचित कदम न उठाने पर इन कर्मचारियों द्वारा पूर्ण दिवस धरना और भूख हड़ताल जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इनकी प्रमुख मांग लैब सहायकों की तरह डीडीसी सहायकों को भी समायोजित किया जाए, 2 राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की एरियर राशि और PF ESI में की गई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग है। मैं राहुल सुतार, सचिव सार्वजनिक क्षेत्र ठेका संविदा कर्मचारी संघ इंटक। आज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में DDC सहायकों का चौथे दिन भी धरना अनवरत चालू है। 3 दिन तक हमने 2 घंटे सामूहिक कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा इसके लिए कोई अभी तक उचित कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण से हमको विवश होकर आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार प्रारंभ करना पड़ा। हम सरकार से और प्रशासन से सिर्फ हमारी 3 मांगे थी, जिसमें यह था प्रथम मांग हमारे को भी लेब सहायकों की तरह कार्य पर समायोजित किया जाए, किंतु आज दिनांक तक इस विषय में कोई भी आदेश नहीं आया। अभी कुछ समय पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर द्वारा एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें समस्त CHC PHC पर कार्यरत DDC सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल को हायरिंग सिविल पोस्ट 2022 में संबोधित करने का एक आदेश जारी हुआ था और उस आदेश पर हमारे द्वारा प्रशासन के कई अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास किया गया और उनसे मिले भी सभी, उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनके द्वारा एक हमारे को ये जवाब दिया गया कि आप मेडिकल कॉलेज के हैं, जिसमें ये नहीं आता। मेडिकल कॉलेज चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अंदर आता है, ग्रुप 1 के अंदर। लेकिन ये योजना जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना और इसमें लगे समस्त DDC सहायक कर्मचारियों का कार्य तो एक ही है, इनके लिए ऐसा आदेश क्यों आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ? और उसके बाद में अगर प्रशासन को इसकी कहने के बाद में भी कई बार आज दिन तक जो सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो कर्मचारी वर्ग में काफ़ी रोशनी है। और सरकार को हमारी दूसरी प्रमुख मांग थी कि आज दिनांक तक जो राज्य सरकार द्वारा जितनी भी बार न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ोतरी की गई है, उसकी एरिया राशि हमें दिलाई जाए। आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कई बार न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन ठेकेदारों द्वारा उसको 1 माह 2 माह बाद में लागू किया जाता है या बहुत बार लागू कर भी दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसको 1 जनवरी से लागू किया जाता है। 1 जनवरी से लागू करने पर उसकी जो भी एरियर की राशि होती है, वो आज दिनांक तक किसी भी ठेकेदार द्वारा हमारे को नहीं दी। तीसरा प्रमुख बिंदु ये है कि ठेकेदारों द्वारा हमारे PF ESI की जो राशि की कटौती की जाती है, उसमें कर्मचारी वर्ग को वेतन तो अपने 3 माह का मिलता है, लेकिन वह PF और ESI की जो राशि है वहाँ पर हमारे कर्मचारियों को और बता देते हैं, जिस वजह से कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान भी होता है। कर्मचारी वर्ग इतने अल्प वेतन में इतने समय से कार्यरत हो, अगर उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें भी अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है, तो यह प्रशासन को सोचने का विषय है कि ठेका प्रथा के और निविदा के जो नियम व शर्तों की भी पालना नहीं होती है। और आपको जब अगर अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा चेतावनी दी जाती है, फिर भी आपकी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं हमारे को ठेकेदार और आपकी मिलीभगत की तरफ दर्शाती है। ठेका प्रथा राज्य सरकार द्वारा अभी बीच में ये भी आदेश निकला, ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक ठेका प्रथा समाप्त नहीं हुई और अनेकों विभागों में तो नए नए ठेके भी चालू हो गए, तो कर्मचारी वर्ग में काफ़ी रोष भी है और हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस विषय की गंभीरता को देखते हुए एक्शन ले। बाकी आज तो हमने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करा है, जिसमें 8 से 2 बजे तक ही यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर फिर भी सरकार अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, तो 3 दिनों के बाद में यहाँ पर 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे और साथ ही इनमें से कुछ हमारा भाई हैं जो भूख हड़ताल के लिए भी कह रहे हैं, तो वो भी भूख हड़ताल कर सकते हैं।
और इससे आम जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कर्मचारी वर्ग इसका किसी भी प्रकार से नहीं होगा। क्यों कि कर्मचारियों ने अपने हकों के लिए आपको समय समय पर चेताया भी है, लेकिन आपकी लापरवाही ने आज इन कर्मचारी वर्ग को इस प्रदर्शन के लिए उत्तेजित